एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से, जहां एसबीआई से सेवानिवृत्त अधिकारी को बदमाशों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि लूटपाट के इरादे से आए और बदमाशों ने पहले उन्हें गोली मारी और फिर 40,000 की नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। घायल एसबीआई के सेवानिवृत्त कर्मचारी की पहचान रविंद्र जोशी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि वह बैंक से रुपये निकाल कर अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उनका पीछा किया और उनसे लूटपाट करने की कोशिश की, लेकिन जब पीड़ित व्यक्ति ने उनका विरोध किया तो कथित बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और पैसे और मोबाइल लेकर फरार हो गए। घायल रविंद्र जोशी का इलाज नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर मामला दर्ज कर लिया है और फरार बदमाशों की तलाश की जा रही है। बैंक में गया था पैसे निकालने के लिए, पैसे निकाला मैंने 40,000 और लेके मैं घर के तरफ मोटरसाइकिल पे आ रहा था। जैसे मेरा घर आया तो दो जने आए, मैं मुझे पैसे की डिमांड किए, मैं नहीं दे रहा था तो जबरदस्ती कर रहे थे, तो करते करते उन्होंने दो फायरिंग किए और मेरे पास किसे में से 40,000 और मोबाइल लेके चले गए। अरे पता नहीं रास्ते थे, नाशिद के लिए थे। अच्छा, कैसा कहाँ कहाँ पर मारे? और नहीं कुछ मारे नहीं, ऐसे दोनों फायर किए। अच्छा। Yeah, I'm not going to go there.